मैंने प्रोमोज देखे और जो प्रोड्यूसर है धीरज शेट्टी और अविनाश है वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ. और रणदीप हुडा इज़ ऑसम है, लाइक आई थिंक रणदीप हुडा इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन आवर इंडस्ट्री. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म एंड आई नो द फिल्म will do well and I wish all the luck to all the like the cast and crew, the producers. I hope this film does well because everybody works too hard for the film and I know the producers very well, so I know that they have worked very hard, so all the best to them. Any upcoming projects of yours? Yeah, my show is on air right now on Antv Varis, so yeah, so that's happening right now. Kahani, so how excited you are for it? I've been seeing the trailers on TV. I think the songs are very good. Deepak is a friend. The producers are very close friends. They are producing the movie for the first time. So I wish luck to all of them. Randeep, bilkul different avatar mein hai, macho look hai bahut zyada. Kajal is coming back from South after a very long time. So everybody, the whole film, the whole unit is a friend. So I really wish good for them. बहुत अच्छी मूवी लग रही है, मेरे को तो वैसे भी लगता है हर मूवी हिट होनी चाहिए. सो लेट्स सी मीरा की अपकमिंग प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो मीरा कौन सा भी प्रोजेक्ट में नजर आने वाली है? नेक्स्ट रामू की मूवी है सीक्रेट. आई डोंट नो व्हेन ही इज प्लानिंग टू रिलीज इट. ही वांटेड टू रिलीज इट आफ्टर बड़प्पन. तो लेट्स सी मे बी ऑगस्ट सेप्टेंबर. मीरा, प्रियंका भी आ चुके हैं मुंबई में, बहुत ही अच्छे मतलब इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रही है, होम प्रोडक्शन भी है, तो क्या कुछ बात हुई है आपकी उनके प्रोडक्शन में आपको मतलब कास्ट करने के लिए? अभी तो हिंदी का कोई आइडिया नहीं है प्रियंका का, अपने सब रीजनों में कॉन्सेंट्रेट कर रही है. बट या मधु चाच इज लुकिंग आफ्टर प्रोडक्शन या, सो लेट्स सी. ऐसा कोई अभी बात नहीं हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ अपना काम करती रहूँ, अपना काम करती रहूँ. थैंक यू. दो लफ्जों की कहानी के प्रमोशन से पहले मैंने दीपक से पूछा था दैट व्हाट इज द फिल्म अबाउट, एंड उन्होंने बोला था कि एक बहुत ही इमोशनल कहानी है, एंड बिकॉज ही नोज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन, तो उन्होंने कहा था आप तो प्लीज़ टिश्यू बॉक्सेस लेके चलना, तो क्योंकि बहुत ही रुला देगी, बहुत ही इमोशनल कहानी है. एंड व्हेन आई सॉ द ट्रेलर्स मेरे को इमोशंस दिखा, वायलेंस दिखा, दर्द दिखा, पेन दिखा, एंड सॉन्ग्स आर ऑल्सो ब्यूटिफुल. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट. It is with the same director Deepak Tijori, and I really want this film to do really well because I'll be working with him next. So meri bahut zyada shubhkamnaye ye pure team ke sath hai. Ma'am, aap kaafi time baad screen pe aaoge, to kya iska reason kya tha, ye gap lete the? Almost 6-8 months tak to mera accident hua tha, kaafi ek serious, so I was on the bed, and uske baad I did a film which will release I think another 2 months. It's we all waiting for the release. इट्स विद अरबाज खान एंड जिमी शेरगिल, और दीपक सर के साथ तो फिल्म अभी शुरू हो जाएगी अगस्त से, सो फिंगर्स क्रॉस. सॉरी जी. नहीं, स्क्रिप्ट में आई डोंट थिंक कैरी फॉरवर्ड जिस तरह वो लोग ले जा रहे थे, आई वॉज नीडेड एंड आई रिस्पेक्टेड देम फॉर गिविंग मी द फर्स्ट ब्रेक. इट वॉज अमेजिंग एज अ डेब्यूटेंट, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा लॉन्च दिया, एंड आई विश द टीम ऑल द बेस्ट. अगर आपको आगे जाके कोई फिल्म में रोल मिलता है तो आप कौन से टाइप के रोल्स करना ज़्यादा पसंद? ऑनेस्टली मैं ये तो मेरी सेकेंड डॉम डिक एंड हैरी थर्ड फिल्म होगी जो थोड़ी ग्लैम है, सो आई एम नॉट सो ओल्ड इन द इंडस्ट्री येट कि मैं डिसाइड करूँ कि मैं ये फिल्म करना, ये ऐसा रोल करना चाहूँगी या नहीं. बट ऑफकोर्स आई वुड लाइक टू प्ले माई सेल्फ हैप्पी बबली चर्पी सनशाइन गर्ल, and that's what is what I would love to play. Thank you so much. Thank you. Chalo role kya bolna hai? Well, we all are excited to watch the film, so I'm sure it's going to be an amazing love story. Kajal is also a friend of mine, so I wish her a good luck, and the entire team, Deepak sir, everyone,
and I'm looking forward for the movie. What type of horror type of movie you prefer to see? I personally like romantic and comedy and horror films. I'm not an action person, but yeah, any of these three, I would love to watch it. And I'm debuting in July too. So yeah, and Deepak Shivdasani are again close friends. So we all are in the same group. So I wish them from the bottom of my heart my best wishes to them. And I'm sure we need new scripts, new stories, and this is one of them. And I'm hoping it would be something new and fresh. अभी लोग देखें उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, अभी तो देखना शुरू कर रहे हैं लोग. तो हम लोगों ने दिल से और बहुत मेहनत से बनाई ये फिल्म. मैं आशा करता हूँ कि ये एक लव स्टोरी तो है ही है. और सारी फिल्म हम लोगों ने मलेशिया में शूट की है. कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि एक अंधी लड़की है जो एक स्कल्पचर है, स्कल्पचर आर्टिस्ट है और एक एक्स एमएमए आर्टिस्ट है. और दोनों ही काफ़ी लोनली लोग हैं और कैसे एक परदेश में मिलते हैं एक दूसरे को और दोनों के तार जुड़ जाते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है. फिर लव स्टोरी है, मिलना बिछड़ना तो चलता ही रहता है. रणदीप तो बेहतरीन एक्टर भी हैं, तो इट इज़ वेरी ईजी टू वर्क विथ हिम, क्योंकि किरदार को वो अच्छी तरह समझते हैं और इन डेप्थ में उसको स्टडी करके ही वो फ्लोर पे आते हैं. तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अ डायरेक्टर. नहीं, ट्रू स्टोरी नहीं है, ये एक अडेप्टेशन है एक कोरियन फिल्म का. गिरीश धमीजा जो राइटर हैं उन्होंने इसको अडेप्ट किया है और हम लोगों ने इसे पेश किया आप लोगों के सामने. मैंने एक्चुअली ना ये देखा नहीं है और मैं ये दो दिन से कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही हैं, पर ये कॉन्ट्रोवर्सीज पे भी मैं सुन नहीं पाया हूँ, देख नहीं पाया हूँ. पर जो बात, जो मुद्दा उन्होंने उठाया है कि सर्टिफिकेशन होना चाहिए, नॉट दिस मॉरल पुलिसिंग, ये तो मेरे ख्याल से मुद्दा मैं 2003 से लेके आज तक बोलते आ रहा हूँ. क्योंकि मैंने मेरी पहली फिल्म जब बनाई थी ऊप्स, तब से लेके आज तक मुझे लड़ना पड़ा है सेंसर्स के साथ. यहाँ तक कि ये एक सिंपल सी लव स्टोरी है, उसमें भी उन्होंने जो है 18 सेकंड की किस थी उसको भी उन्होंने बोला कि इसका 50% काट दो. तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मॉरल पुलिसिंग कुछ हद तक रहे. जैसे मेरे इसमें फिल्म में यूए फिल्म है, साला जैसा वर्ड और कुत्ते जैसा वर्ड भी उन्होंने मुझसे निकलवाया. इस फिल्म के साथ भी हुआ है. तो मैं समझता हूँ कि अभी ये तो मुद्दा मुझे लगता नहीं है कि हमारे देश में कभी सॉल्व होगा. ये लड़ाई जो है वो पता नहीं कब खत्म होगी. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फिल्म मेकर्स के लिए इस कंट्री में तो है ही नहीं, वो तो भूल जानी चाहिए, वो बात तो बिल्कुल भूल जानी चाहिए. सर, कल ही दो लफ्ज़ों की कहानी के साथ तीन मूवी भी बच्चन साहब की रिलीज़ हो रही है, तो आपको लगता है कि उसके कंपैरेटिवली आपकी मूवी उतनी सक्सेस तक पहुंच सकती है? देखिए, हमारी जितनी फिल्में लग रही हैं उन सब में बहुत छोटी फिल्म है, हम उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं रख सकते. और हमारे लिए तो ऑब्वियसली ये सारी फिल्में खतरा ही है, पर मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली वो इतने बड़े लोग हैं और हमारी छोटी सी एक लव स्टोरी है. हमारी कोशिश है कि हम अपना एक छोटी सी एक जगह भी बना लें तो भी हम लोग अपने आप को कामयाब समझेंगे. सर, इसके अलावा आपके कोई फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? जी, अभी हम लोग शुरू करेंगे तब अनाउंस कर लेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.
I'm excited whenever a movie releases, everybody gets to see your work. But I'm also very tired. It's my third film that I've been promoting in a matter of 2 months. And I want to go see the film right now, so I'm going to rush. I am also looking forward to watching Teen. It has got Bachchan Saab, Nawaz, Vidya, and it's a different genre of a film. And so the audience can decide which genre they want to watch. ये तो कोई बता नहीं सकता यार नहीं I don't know how it will turn out. I'm hoping for the best. आपको पता है किस तरह की मेहनत लगती है एक मूवी बनाने के लिए, ऐसा नहीं है उसी मूवी का अगर कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी आती है उड़ता पंजाब को लेकर, जैसे आपको कंट्रोवर्सी आ रही है, तो आपका क्या टेक है? मैं बहुत बात कर गया हूं उसके बारे में पूरा दिन यार, सॉरी.